सबसे पहले एक वर्ड है रियल, वेयर का मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था वेयर किस तरह से इस्तेमाल होता है, और भी मतलब वेयर फ्रॉम का, तो उसके लिए भी वो ओली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हेयर जोगी या छोगी दोनों देर खोगी एक लफ्ज है दिस, इसके लिए ई है लेकिन ई में किसी चीज के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे ये तो उसमें ई के साथ एक आध लफ्ज जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये कौन सी जगह हम कहाँ पाए, तो किधर गया योगी हेयर, योगी ओ दी ये यो, ये कौन सी जगह है हम कहाँ पर हैं, तो अगर आप कहते हैं कि ये क्लासरूम है तो आप जब आंसर करेंगे तो क्लासरूम के लिए कल हमने एक लफ्ज पढ़ा था क्योशन, क्वेश्चन ए ओ, अब इसके लिए हमने एक और भी तरीका पढ़ा था योगी ओदी अपनी का, क्वेश्चन अपनी का सेम वही होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब आप शॉर्ट आंसर करेंगे तो उसमें अपनी दा और अपनी का को छोड़ के
क्योशल यो, यो का लफ्ज जो है ये मैंने आपको बताया ये जस्ट एक रिस्पेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है जब आप किसी को आंसर कर रहे हैं तो चूंकि कोरियन जबान में रिस्पेक्ट ज्यादा है तो वो ये लफ्ज यो का इजाफा कर देते हैं क्योशल यो क्लासरूम में। फिर हम कहते हैं कि ऑफिस किधर है, ऑफिस के लिए ऑफिस को कहते हैं जी साउशिल। शेल का लफ्ज जो है ये किसी भी कमरे के लिए साथ में वो लगा देते हैं लेकिन जब भी किसी चीज का आप नाम लेंगे जैसे क्लासरूम है तो क्योशिल है, ऑफिस है तो साउशिल है। ऑफिस किधर है तो हम कहेंगे ये साउशिल ओदी हो या ये कहेंगे साउशिल ओदी अपनी का। जैसे हम कह देते हैं ऑफिस उधर है तो आप कहेंगे सामुशिल छोगी, मतलब खोगी ज्यादा दूर के लिए इस्तेमाल होता है उसके भी आगे देखते हैं सामुशिल ऐसे नजदीक के लिए मैं कुर्सी का ही कह देता हूँ ईजा छोगी सोयो मतलब ये और वो नजदीक के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सामुशिल छोगी ये हो या सामुशिल छोगी अपनी का हाँ अपनी का। इसके अलावा हम कहते हैं कि वाशरूम किधर है तो वाशरूम के लिए हाजंक्शन हाजंक्शन पौधी ये हो या हाजंक्शन पौधी हिस्से हो। उस दिन मैंने आपको हिस्से हो और उपसयो का भी बताया था तो हाजंक्शन पौधी ये हो हाजंक्शन पौधी हिस्से हो हाजंक्शन पौधी अपनी का तीनों का मतलब सेम ही है। आप अगर किसी से पूछते हैं हाजंक्शन पौधी अपनी का सेम मतलब है आप कहते हैं हाजंक्शिल पौधी इस्सोयो सेम मतलब है। अगर आप कहते हैं हाजंक्शिल पौधी ये हो सेम मतलब है। हाजंक्शिल मतलब वाशरूम या रेस्ट रूम किधर है तो फिर हम कहते हैं कि वाशरूम वो उधर है हाजंक्शिल
هاجم شل كوغي هاجم شل كوغي ايو هاجم شل كوغي استو ايو يا هاجم شل كوغي اتني دا उसके अलावा रेस्टोरेंट किधर है रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट को कहते हैं शिकतांग शिकतांग ओदी एयो शिकतांग ओदी सोयो शिकतांग ओदी अपनी का शिक्तां ओदी एयो शिक्तां ओदी सोयो शिक्तां ओदी अपनिका तो हम कहते हैं कि शिक्तां वो शिक्तां मतलब आप किसी रेस्टोरेंट के सामने खड़े हैं और आपसे कोई पूछता है कि रेस्टोरेंट किधर है तो आप कहते हैं वो रेस्टोरेंट है तो आप कहेंगे शिक्तां छोगी सोयो अगर आप कहते हैं कि रेस्टोरेंट वो उधर है तो आप कहते हैं शितांग खोगी सोयो अगर आप कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट है तो आप कहेंगे योगी सोयो मतलब उसके लिए आप इसमें से जो भी किधर भी एक चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए आप वर्ड्स डिफरेंट यूज करेंगे ये ई का मैं थोड़ा बाद में आपको बताता हूँ अभी हम ये इसको कन्वर्सेशन में यूज कर रहे थे कि एक नज़दीक चीज है थोड़ी सी दूर है ओवर देयर होगी और देयर होगी ये ठीक हो गया अभी और क्या कोई जुमला बनाते हैं
बैंक किधर है? बैंक को इन हैंड ये ज्यादातर हे का लफ्ज जो है मैं इस तरह यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा क्लियर रहे कि ये हे है इन हैंड, क्योंकि अगर मैं इस तरह लिखूंगा ये ना हो कि आप पतंग पढ़ना शुरू कर दें, तो इसलिए मैं ये वाला हे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ इन हैंड बैंक। तो फर्ज करें कि आप किसी से पूछते हैं कि बैंक किधर है, इन हैंग ओदी सोयो, इन हैंग ओदी अपनी का, इन हैंग ओदी ये हो, इन है ओदी अपनी का, इन है ओदी सोयो, इन है ओदी ये हो। तो आप कहते हैं कि इन है खुबी सोयो, मतलब थोड़ा दूर है, जब आप ये समझ जाएंगे बेसिक कन्वर्सेशन तो फिर आगे हम बताएंगे कि यहां से आप उधर जाएंगे राइट साइड पे मुड़ जाएंगे या लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएंगे तो उधर है, लेकिन वो अभी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इजी इजी जो है उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे फिर आगे मार्ट के लिए लफ्ज उनका मार्ट ही होता है या मार्क कहते हैं मार्क, ठीक है। सुपरमार्केट को सुपरमार्केट ही कहते हैं मार्केट, वो चूंकि जैसे अरबी में टे नहीं है इसी तरह वो भी टे बहुत कम पढ़ते हैं तो सुपरमार्केट कहते हैं सुपरमार्केट। एक कन्वीनियंट स्टोर, मतलब यहाँ पे कन्वीनियंट स्टोर बहुत कम है पाकिस्तान में, जबकि कोरिया में कन्वीनियंट स्टोर बहुत हैं जो 24 आवर्स चलते हैं, मतलब रात के किसी टाइम भी आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो आपको अवेलेबल है, मतलब उसको कन्वीनियंट स्टोर कहते हैं जो 24 आवर्स ओपन रहते हैं। क्यों जो हम कहते हैं कन्वीनियंट स्टोर को,
उसके अलावा है जी मार्केट या बाजार, जिसको हम बाजार भी कहते हैं या मार्केट कहते हैं। उसके लिए लफ्ज है जी शीजम। हेयर सैलून जो है मियां मिशेल। Laundry लॉन्ड्री या लॉन्ड्रोमैट, मतलब जहां पे कपड़े धोए जाते हैं उसको सेथक्सु कहते हैं। सेथक्सु इसको मैं साफ कर देता हूं। किसी से आप पूछते हैं कि अभी आप किधर हैं, अभी के लिए मैंने आपको बताया था चीजों। किधर है ओदियो चीजों, ओदियो चीजों ओदियो अफ्रीका चिकन बोदी हो या चिकन बोदी आदमी का। अगर आप कहते हैं कि मैं बाजार में हूं, तो आप चिकम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो भी ठीक है, चिकम शी जंगे हो, या जस्ट आप कह सकते हैं कि शी जंगे हो, बाजार में हूं।
इसमें एक स्टाइल और भी आए वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। क्योंकि हम सिंपल सिंपल से आगे जा रहे हैं कि पहले जो ज़्यादा इजी इजी है वो उसको देख लेते हैं कि मार्ट किधर है। मार्ट खुद ही ये हो या मार्ट खुद ही अपने का मार्ट खुद ही से हो तो आप कहते हैं कि वो पार्ट है। मार छोड़िए कन्वीनियंट स्टोर किधर भी होगा तो फर्ज करें कि ये एक स्टोर है कन्वीनियंट स्टोर तो कन्वीनियंट स्टोर के ऊपर लिखा होगा इस साल शियान प्योनेजो मतलब 24 आवर्स ओपन। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओदी के लिए लफ्ज है जी ये हेयर के लिए ओदी हेयर योगी ओवर देयर छोगी और देयर कोगी बस इसको यहाँ तक रहने दें कि ये तीन चार जो हैं इसको हमने कैसे चूज करना है। कोई भी जगह का आपने पूछना है जैसे आप पूछते हैं कि ऑफिस किधर है तो आप पूछेंगे सामुशिल ओदी ये हो हजामशिल ओदी ये हो मतलब वाशरूम किधर है। उसके अलावा किसी से पूछते हैं कि रेस्टोरेंट किधर है तो शिकतान ओदी ये हो या बैंक किधर है तो इन्हें ओदी सोयो इन्हें ओदी अपनी का। अगर आप कहते हैं कोई आपसे पूछता है कि इन्हें ओदी अपनी का तो आप उसको जवाब देंगे कि इन्हें चोगी अपनी दर या इन्हें छोटी ये हो चोगी ये हो या इन्हें चोगी इससे हो मतलब इससे हो कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को जाहिर करने के लिए कि वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है तो
मतलब खासकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास टाइम है तो मैं आपसे पूछूंगा शीघ्र निश्चय, मतलब आपके पास टाइम है कि आप मुझसे मिल सकते हैं, या आपसे पूछता हूँ कि आपके पास बॉल पेन है तो मैं आपसे पूछूंगा बॉल पेन निश्चय, मतलब एक चीज़ एग्जिस्ट करती है कि ये आपके पास है तो निश्चय हो। इसी तरह आप कह सकते हैं कि इन एंग ओदी निश्चय हो, या इन एंग ओदी ए हो, या इन एंग ओदी अपनी का कि बैंक किधर है। ठीक हो गया। अगर आप किसी से पूछते हैं कि हेयर कटिंग सैलून वो किधर है तो आप पूछेंगे मी अंशिल ओदी ए हो, या मी अंशिल ओदी अपनी का मी अंशिल ओदी इस्सो हो, या किसी से आप पूछते हैं कि मैंने कपड़े धुलवाने हैं तो लॉन्ड्रोमेट जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं लॉन्ड्री तो वो किधर है तो आप पूछेंगे सिदक्सो ओदी ए हो, सिदक्सो ओदी अपनी का। फर्ज करें मैं आपसे पूछता हूँ कि सिदक्सो ओदी अपनी का तो आप कहेंगे सिदक्सो खूबी इस्सो हो, या सिदक्सो खूबी अपनी का अपनी का के लॉन्ड्री उधर है, या जैसे वाशरूम यहाँ से दूर है तो हम कहेंगे कि हजामशिल खोगी इस्सो हो, और ऑफिस अगर ये नज़दीक है ये सामने है तो हम कहेंगे कि सामशिल चोगी इस्सो हो, ये नज़दीक है ओवर देयर। उसके अलावा ये रेस्टोरेंट का अगर कोई पूछता है कि रेस्टोरेंट शितांग ओदी ए हो, या शितांग ओदी अपनी का तो आप उसको बता सकते हैं कि शितांग चोगी ए हो, शितांग चोगी अपनी का, या थोड़ा दूर है तो आप कह सकते हैं शितांग खोगी अपनी का।